नूरे इल्म के साथ हमारे दरमियान आलम दीन मौजूद हैं। आए इनसे इस्तकबाल रमजान के बारे में सवालात करते हैं। इस्तकबाल रमजान क्या है? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मशकूर हूँ आपका। इस्तकबाल रमजान, आमद रमजान, उसके बारे में जैसे ही रमजान की आमद होती थी और रमजान करीब होता था तो हमारे आकाए नामदार खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा इरशाद फरमाते थे, जो कि मोतबर तरीन किताबों में खुतबा शाबानिया के नाम से मंसूब है। सहाबा इकराम की मौजूदगी में वो खुतबा सरकार हर साल जो है वो सहाबा इकराम को पढ़ के सुनाते थे, और उसका एक इक्तबास में आपकी खिदमत में आपके चैनल की हदिया कर रहा हूँ कि आप फरमाते थे कि ऐ लोगों, वो महीना आ गया वाह कि जिस महीने का इंतज़ार मुसलमान को हर साथ रहता है, यानी रमज़ान से कितनी सरकार फरमा रहे हैं कि मुसलमान को रमज़ान से इतनी मोहब्बत है कि वो हर सांस में रमज़ान का इंतज़ार करता है। इसलिए कि रमज़ान रहमत भी है, रमज़ान बरकत भी है, रमज़ान में वो चीज़ें जो आपके लिए हलाल होती हैं मगर आप खुशनूदी खुदा के लिए उस पर आप जो है उसको छोड़ देते हैं, इसके लिए अल्लाह की रजा के लिए। सरकार फरमाते हैं ये वो महीना है जिसमें सांस लेना भी इबादत है। ऐ मेरे सहाबा, शमे रिसालत के परवाने तशरीफ फरमाएं, आप फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबियों, ये वो महीना आ रहा है जिसमें तुम एक अमल करोगे तो आम महीनों में एक अमल का एक सवाब एक नेकी मिलेगी, मगर ये वो महीना है जिसमें एक अमल करोगे तो खुदा 70 नेकी देंगे। माशाल्लाह। फिर सरकार फरमाते हैं सुनो, ये वो महीना है जिसमें जितनी तुम सांसें लोगे हर सांस में अल्लाह तुम्हारी 70 नेकियां लिखेगा। सुभानअल्लाह। अब मुसलमान सुबह सहरी से लेकर इफ्तार तक हर सांस में अगर 70 नेकियां कैलकुलेट करे अपने कैलकुलेटर पर, अपने नफ्स पर, तो कितनी नेकियां मुसलमान की जमा हो जाएंगी, कितनी अच्छाइयां होंगी। अब जहां तक आपने सवाल किया कि इस्तकबाल रमजान क्या है, इस्तकबाल रमजान शॉपिंग करने का नाम नहीं है। इस्तकबाल रमजान जो है वो दीगर चीजों में वक्त जाया करने का नाम नहीं है। इस्तकबाल रमजान के लिए कुछ मखसूस दुआएं हैं कि चांद देखकर हमें जो है इस्तकबाल रमजान का किस तरीके से करना है। जब आप किताबों को उठाएंगे तो एक चीज तो तमाम मुसलमानों में मुश्तरक है कि जैसे ही आपको ये इतला मिले कि रमजान का चांद नमदार हो गया तो आप सूरह इन्ना अंजलना की तिलावत करें, आप भी पूरा साल महफूज रहेंगे, आपके घर वाले भी महफूज रहेंगे। किसी ने 21 दफा लिखा है, किसी ने 70 दफा लिखा है, और फिर चांद देखने के बाद चांद देखने की दुआ है जिसको जो है तमाम किताबों में एक ही मुसलमान पढ़ते हैं, और उसके बाद जब चांद नमुदार होता है तो मस्जिदें आबाद हो जाती हैं, तरावियों का इंतजाम होता है, दुरूस का इंतजाम होता है, महफिल कुरान का इंतजाम होता है। यानी ये वो महीना है कि अल्लाह से कुर्बत हासिल करने का बेहतरीन महीना है। आपके पास ब्लैंक चेक है कि आप अल्लाह से राज़ो नियाज करें, अल्लाह से गुफ्तगू करें, अल्लाह रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल देगा। यकीनन मुफ्ती साहब आप बताएंगे कि आज इस्तकबाल रमजान कैसे करें। सर जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो आपने सवाल किया था साहब से, मैं उसी तरफ बढ़ना चाहूंगा कि फर्ज टीम में अल्लाह ने फरमाया शाह रमजान रमजान से थोड़ा है। हमने कुरान पाक को नाजिल किया रमजान के महीने, मकसद महवर क्या था? इंसान की हिदायत की। तो ये जो इस्तकबाल रमजान से मुराद ये कि इस्तकबाल हिदायत है, यानी ये वो महीना है जिस महीने में रब ने बंदों को हिदायत दी। ये वो महीना है जिसमें अभी हजरत ने जैसे फरमाया कि नेकियां बढ़ जाती हैं। कैसे बढ़ जाती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बंदा नफिल पढ़ता है
तो नफिल का सवाब सुन्नतों के बराबर, सुन्नतों का सवाब फर्जों के बराबर। और वही बात है कि फर्जों का सवाब एक फर्ज आपने पढ़ा, अल्लाह ने 70 गुना ज्यादा बढ़ा कर पढ़ा। फिर यही वो महीना जिसकी बरकतों का अजमतों का आवर देखेंगे, इससे मिलता क्या? कुरान ने फरमाया या लज़ीना कुतिब अलैकुमुस सियाम कमा कुतिब अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पे रोजे फर्ज किए गए, क्यों किए गए? जिसे पिछली उम्मतों पे फर्ज थे, लेकिन फर्ज क्यों थे? इसलिए थे लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। तो ये वो महीना है जो परहेजगारी सिखाता है, ये वो महीना है जो तकवा सिखाता है, ये वो महीना है जो रहमतें बांटता है। तो असल बात यह है कि इस महीने की अजमतें, इस महीने की बरकतें, इस्तकबाल रमजान कैसे हम कर सकते हैं? सबसे तो पहले ये कि मैं फिर मिसाल दूँ कि अगर किसी को अमेरिका जाना हो या सऊदीया जाना हो, कहीं भी जाना हो, और फ्लाइट 4 बजे की हो, तो उसका रात भर नींद नहीं आती। बेशक ऐसे ही है ना जी, बिल्कुल। इसी तरीके से अगर जब रमजान का महीना आ रहा हो तो रब ताला की रहमतें आ रही है, रब ताला की बरकतें आ रही है। ये वो महीना जैसे हज़रत ने फरमाया ना, कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन साम रमजान ईमान एहतसाब गफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़न्बिही, जिसने ईमान के साथ और एहतसाब के साथ रोजा रखा, अल्लाह उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ कर रहा है। ये तो बख्शिश का वो महीना है जिसके इस्तकबाल कैसे करना है? ऐसे ही करना है जैसे फ्लाइट वाला इंतजार करता है पूरी रात जाग कर कि मेरी फ्लाइट मिस ना हो जाए। तो इसे भी जाग के इंतजार करना है कि मेरा रब कौन सा ऐसा लम्हा हो कि मेरा रब पुकारे और मैं बंदा हाजिर हूँ और मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। यानी इस लम्हा को इस्तकबाल वाला बनाना है, तैयारी करनी है, अपने आप को पाक साफ रखना है, अल्लाह के घर हुजूर हाजिर होना है। फिर सिर्फ रोजा, ये जो रमजान है रोजा रखने का नाम ही नहीं है, इसका एहतमाम कैसे करना है? वो कुरान हकीम फरकान हमीद जो रमजान में नाजिल हुआ, इसका मकसद क्या था? गौर सुनिएगा, रमजान के अंदर कुरान नाजिल हुआ। कुरान किस लिए आया? हिदायत के लिए। किस लिए आया? हिदायत के लिए। हिदायत किसके लिए? इंसानों की हिदायत के लिए। लेकिन हिदायत पाएगा कौन? फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन। मालूम ये चला अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया रमजान में। रमजान वो महीना है जिसका मकसद महवर ये है कि मुत्तकी बन जाओगे। तो मालूम ये चला अगर हिदायत मिलनी इंसानों को, तो इंसानों में से वो लोग हिदायत पाएंगे जो मुत्तकी हैं, और मुत्तकी कौन होता है? जो रोजा रखता है। मालूम ये चला, बात कही मुफ्ती साहब ने, बिल्कुल निचोड़ पेश कर दिया मेरे भाई ने, कि कुरान ने कहा कि ये कुरान सबके लिए हिदायत नहीं है, सिर्फ मुत्तकीन के लिए। और अल्लाह ने रमजान के लिए क्या कहा कि तुमसे पहले पिछली उम्मतों पे भी रोजे फर्ज किए गए थे, ताकि उसका नतीजा क्या निकला? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। बेशक। अब मुत्तकी कौन बनेगा? जिसके लिए, जिसको ये किताब समझ में आए। बिल्कुल। जो मुत्तकी इस आयत की रोशनी में के ये किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए, उन्हीं के लिए रमजान जो है वो मुत्तकी, अगर इसका नतीजा जो है वो आए कि इंसान के किरदार में तब्दीली आए। देखिए इस महीने में कितनी रहमतें नाजिल हुई, यही वही महीना है कि इसमें कितने फतुहात हुए हैं। इसी महीने में जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की वफात है, इसी महीने में उम्मातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वो है वफात है, इसी में इमाम हसन अलैहि सलाम की विलादत है, इसी महीने में हज़रत अली अलैहि सलाम की जो है वो शहादत है, इसी में जो है वो ग़ज़वा बदर है, ठीक है ना। तो ये महीना एक मुसलमानों के लिए यूनिक महीना है नेकी हासिल करने के लिए, और जितना अच्छा इस्तकबाल करेंगे, जितने जैसे कि मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत और फरमाई कि जितनी कैटेगरी का आदमी आता है उसी क्लेवर से उसका इस्तकबाल किया जाता है। तो ये महीना हुर्मत का महीना है, इसका इस्तकबाल मुसलमान जितनी तकवा से करेगा उतना ही उसके रुमूज हासिल करेगा। यानी कितनी अजीब बात है कि हम आम दिनों में कुरान मजीद का एक पारा पढ़ेंगे तो एक पारे का सवाब, मगर अगर रमजान में एक पारा पढ़ेंगे तो 70 पारों का सवाब। यानी हमने 30 पारे खत्म किए कुरान मजीद के आम दिनों में,
तो 30 पारों का सवाब। मगर अगर हमने कुरान पूरे रमजान में एक दिन में एक पारा पढ़ा तो 30 पारों में 70 एक दिन का लगा लें, कितना हमें नेकी मिल गई। तो इस्तकबाल रमजान मुसलमान आज के दौर में जहाँ पूरी दुनिया में COVID-19 में मुब्तला थी, मईशत पूरे दुनिया की बैठी हुई है, ऐसे इस्तकबाल किया जाए कि गुरबा मसाकीन का ख्याल रखा जाए, ये है इस्तकबाल रमजान। हमसायों का ख्याल रखा जाए, रिश्तेदारों का ख्याल रखा जाए, मुसलमान भाई का ख्याल रखा जाए। ये नहीं हो कि रमजान में ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, रमजान में ही लड़ाई झगड़े हों। रमजान सब्र सिखाता है, रमजान जब तकवा होगा ना, जितना जितना तकवा होगा उतना उतना सब्र पै होगा, और जैसे जैसे आपके नफ्स में सब्र होगा उतना उतना आपके कल्बे यकीन पैदा होगा, जितना जितना यकीन पैदा होगा उतनी उतनी इरफानियत पैदा होगी, जितनी जितनी इरफानियत पैदा होगी हिजाब खुल जाएंगे, फिर जब हिजाब खुल जाएंगे तो फिर अल्लाह से राजो न्याज करने में फिर गुफ्तगु। अल्लाह कहता है ना मुझसे गुफ्तगु करो, मैं तो 70 माओं से आप ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। दुनिया के हर रिश्ते में आना है, वाहिद अल्लाह वहदहुला शरीक क्यों कहा कि मैं 70 माओं से मोहब्बत, माँ ऐसा रिश्ता है जिसमें आना नहीं, अल्लाह ने कहा इसमें आना नहीं है, मैं शहरक के भी करीब हूँ और 70 मादी से कुछ में कहा कि 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत भी करता हूँ। तो आप अल्लाह से बातें करें, दुनिया में आप किसी से बातें करेंगे टाइम लेना पड़ेगा, पहले पीए के पास जाएं वो टाइम लेके देगा, भाई 10 मिनट का टाइम है, मगर मेरा अल्लाह ऐसा है कि रमजान का महीना मिल जाए और खुदा से राजो न्याज करें। कैसे करें? तहज्जुद के जरिए से करें, बेशक, ठीक है ना। तो बात जो मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि अगर आप गौर से देखें कि ये जो बात हजरत ने फरमाया कि ये महीना हमें सिखाता क्या है, ये महीना में ये बात सिखाता है कि इस्तकबाल रमजान सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं है। जैसे अभी आपने फरमाया ना कि आज जैसे कोरोना वायरस जो हम आया था तो दौर में हमने देखा क्या, नबी ने तभी फरमाया कि मुसलमान कौन है, मिसाल के तौर पे अगर तुम्हारे पास रोजा तुमने रखा और किसी रोजेदार को तुमने रोजा करवा दिया, अब वो रोजा जो उसने रखा, तुमने अभी रोजा रखा हो या ना रखो या रखवा दे, लेकिन जो उसने रोजा रखा ना, वो जो दिन भर उसने सवाब कमाया वो सवाब सिर्फ उसे नहीं मिलेगा बल्कि पूरा रोजे का सवाब जो उसकी नेकी अमाल में उसके अमाल में आ रहा है वो तमाम सवाब उसको भी मिल जाएगा कि रोजा खुलवाया। अब रोजा खुलवाने से क्या मुराद है, ये नहीं कि आप बहुत सारे उसको खाना ला के दें, आप बहुत सारे लोग, अगर आपके पास एक खजूर है ना, अगर आप उससे भी रोजा आपको पिलवा दिया या पानी भी पिलवा दिया तो वही आपको सवाब मिलना है। तो ये दर्श देता है। फिर आप मिसाल देता हूँ कि अगर आप गौर से देखें और सोचें कि हम जायज कामों से इस महीने में जो रुकते हैं वो यूं रुकते हैं, घर में हमारे फ्रिज रखा है और फ्रिज में ठंडा पानी, लेकिन कोई देखने वाला भी नहीं है, ना कैमरे की आंख देख रही है, ना कहते ना अम्मी जी की आंख देख रही है, कोई भी नहीं देख रहा, छुपके आप पी सकते हैं, लेकिन जायज काम से क्यों रुक रहे हैं? अल्लाह देख रहा है। तो अल्लाह इतनी मोहब्बत इसलिए करता है कि मेरा बंदा मेरे लिए जो जायज है पानी पीना, हलाल है पानी पीना, उस काम से रुकता है तो अल्लाह को बड़ा पसंद। और अल्लाह ने तभी फरमाया कि जब बंदा रोजा रखता है और रोजा रख कर वो मेरे लिए इबादत और रियाजत करता है तो यकीन मानने वो इतना करीब होता है, आज 100 मोली वो आना उज्जा भी, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जगह बन जाता हूँ। यानी अल्लाह ताला उस बंदे को अपनी मोहब्बत मार्फत अता फरमा देता है जो रोजा रखता है। तो ये रमजान का इस्तकबाल कैसे करना है कि सिर्फ अपने आप को नहीं देखना बल्कि आपके आस पड़ोस सबके, हुजूर ने फरमाया वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता कौन, जो खुद पेट भर खाना खाए उसका भाई क्या, उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। तो ये जो आप भूखे रहते हैं ना रोजे में, ये एहसास दिलाता है कि तुम अमीर हो, जरा भूखे रह के देखो भूखा रहना कैसा है, तुम अमीर हो, तुम प्यासे रहकर देखो प्यासा रहना कैसा है। तो ये दर्श है इस्तकबाल रमजान का जो बता साहब आपने जो फरमाया मैं बड़ी अच्छा कि यानी रमजान जो है वो सिर्फ भूख अल्लाह नहीं है। जी जी कि आपने रोजा रखने, जैसे मुफ्ती साहब ने इतनी खूबसूरत बात कही ना कि आपने तो रोजा रख लिया और अपने घर में सारा बहुत बड़ा दस्तरखान सजा लिया,
और बच्चों के साथ बैठ के खा लिया, नहीं, ये तरबियत है मुसलमान की। क्या के हुकूक खुदा के साथ हुकूक लिबाद को भी अदा करो। अगर सिर्फ अपने ही खाते रहे तो ये रोजा नहीं रहा। ये देखो कि आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका हमसाया, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया, हजरत इब्ने अब्बास जैसे रावी आप फरमाते हैं कि मैंने सरकार से फरमाया कि सरकार मैं इतनी ताकत नहीं रखता हूँ कि बहुत सारा इफ्तार अपने हमसाये को दूं। तो सरकार ने तबस्सुम फरमाया, वो जो नुत्क नहीं करते जब तक खुदा न चाहे, जिसकी जुल्फों की कसम कुरान खाए, जिसकी हर अदा की वो तो कुछ वमा तशाउना इल्ला अन यशाअल्लाह, वो तो कुछ चाहता ही नहीं। मेरा महबूब कुछ नहीं चाहता, वो वही चाहता है जो मैं चाहता। वो आप फरमा रहे हैं मेरे आका खातमुल मुरसलीन हमारे जाने कुर्बान अपने आका पर, मेरे सरकार फरमाते हैं कि इब्न अब्बास अपने हमसाये को एक खजूर खिला दो, जहन्नुम से तुम जो है दूर हो जाओ। सवाल, यानी ये अपने मुसलमान भाई को इफ्तार कराना जहन्नुम से दूरी का रास्ता है। तो हम क्या करते हैं, हम बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियां करते हैं, सियासतदानों को बुला रहे हैं, बड़े लोगों को, भाई इनके पास तो पहले ही है, उनके साथ बैठ के खाओ, उनके साथ इफ्तार करो जिनके पास नहीं है। तो फिर हुकूक खुदा के साथ, नमाज के साथ, इबादत के साथ जब तक अपने मुसलमान भाई का ख्याल नहीं रखोगे तो वो रोजा अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा। यही रमजान का इस्तकबाल है। हमारे पास कुछ सवालात आए हैं और मैं चाहूंगी कि आप उनके जवाबात दें। रमजान मुबारक की नेमतों के बारे में किसी ने सवाल किया है कि वो क्या होता है, जैसे अगर हम कभी गलती से पानी पी लें या बेदहानी में ये हो जाता है कि हम पानी पी लेते हैं, तो क्या वो उससे रोजा टूट जाता है? देखें, एक चीज तो ये है कि अल्लाह जो है वो हर चीज का खालिक है। एक चीज तो वो है कि मैं जो है कहीं से आया और मेरे जहन में ये नहीं रहा कि मैं जो है वो रोजे से जी पे। और मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने जो है फौरन करीब से बोतल निकाली और मैंने पानी अभी एक घूट ही गया था मेरे मुंह में, एकदम मुझे याद आ गया कि मुझे रोजा है तो मैंने रोक दिया। अगर मैंने रुक गया और मुझे याद भी नहीं था तो फिर तो मेरा रोजा सही है, और अगर जानबूझ के मैं वो करूँ कि आऊँ और पानी पी लूँ और कहूँ कि मेरा रोजा, तो फिर वो रोजा बात खत्म हो गया, उसकी फिर कज़ा करनी पड़ेगी लाजमा। मगर अगर भूल के, और किसी इंसान को तो खुदा जो है वो देखने वाला है, उसका रोजा सही है, ये भी ना करे आदमी के रोज भूल जाए जानबूझ के, एक दफा भूल गया तो वो काबिले माफी है, और अगर वो जानबूझ के करे तो नजदीक भी यही है जिस तरह से फरमाया कि अगर कोई शख्स जान कर भर पेट भी खा लेगा तो उसका रोजा नहीं, यानी जान कर नहीं किया उसने, भूल के उसके उसको याद नहीं था, भूल गया और उसने भर पेट भी खा लिया तो फिर वो रोजा नहीं टूटता। लेकिन अगर याद दिला दिया फिर भी हलक का जो निवाला है अगर वो निकाल सकता था फिर भी उसने निकाला तो रोजा जाता रहा, इसी तरीके से याद बीच में आ गया फिर खाता रहा तो फिर रोजा बिल्कुल नहीं होगा। फिर तो लाजमी फिर बात है कि वो अमल जान के कर रहा है फिर तो कज़ा भी लाजिम आएगी और फिर कफारा भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक शख्स है वो जान कर ऐसा नहीं करता तो शरीयत ने फरमाया चाहे पानी पी लें चाहे वो कहते हैं कि खाना खा लें रोजा नहीं टूटे। ये तो छोटे बच्चों को हम कहते हैं ना कि रोजा फ्रिज में रखा हुआ है 10 बजे इफ्तार हो जाएंगे, तो बच्चों के लिए तो है, ये बड़ों के लिए। अच्छा, एक हमारे पास दूसरा सवाल आया है कि रोजे का मकसद क्या है? देखिए, रोजे का जो मकसद और महवर है, जैसे अभी हमने शुरू में सवाल रमजान में बात करना, तकवा हासिल करना, एक इंसान गुनाहों से बच जाए और नेकी की तरफ बढ़े। सोम कहते हैं रुक जाने को, क्यों ऐसे ही सोम यानी रुक जाना, उन चीजों से रुक जाना जो अल्लाह ने 11 महीने आप पे हलाल किए। तो जब रुक जाएगा जो अल्लाह ने हलाल किए हैं और सब्र करेगा, और जब सब्र करेगा वो चीजें सामने भी रखी होंगी मगर अल्लाह की रजा के लिए जो है उनको वो न खाएगा न पिएगा न पानी पिएगा। तो दरअसल रोजे का नाम ये है कि ये एक आपकी एक्सरसाइज हो रही है। 11 मंथ्स जो आपने खाया है ना, तो एक महीना अल्लाह चाहता है कि आपके मैदे को सुकून मिले, मैदे को भी सुकून मिले, माइंड सेट को भी सुकून मिले, और
अल्लाह की कुर्बत भी हासिल है। इसीलिए कि जब भूख और प्यास इंसान में आती है ना, तो ये इंसान की तीनत में है कि उसको फिर अल्लाह याद आता है, या तो परेशानी में याद आता है या भूख में याद आता है, ठीक है ना। तो जब इंसान भूख और प्यास को वो करता है, फिर वो अल्लाह के करीब आता है। जितना जितना अल्लाह के करीब आता है, उतनी उतनी कुर्बत पैदा होती है। जितनी जितनी कुर्बत पैदा होती है, वो रोजे को के मकसद को हासिल करता है। और रोजे का असली मकसद ये है कि रोजा रख के अपने ईमान पे कायम रहे, खुदा के बंदों से मोहब्बत करे, अल्लाह के बंदों से इखलास से पेश आए, ज्यादातर वक्त मस्जिद में गुजारे, ज्यादातर कुरान मजीद की तिलावत करे, अल्लाह का जिक्र करे। कुछ नहीं कर सकता, रास्ते में चल रहे हैं आप, चलते चलते सरकार दो आलम से दुरूद पाक पढ़ते हैं, इससे बड़ी कोई इबादत ही नहीं है कि आप चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे। ये ईसाले सवाब भी है, यानी रमजान में इतना आसान सा नुस्खा बता रहा हूँ कि आपने दुरूद पाक सरकार पर पढ़ा। कोई इबादत काबिले कबूल ही नहीं है जिसमें सरकार पर दुरूद आपको भी सवाब मिलेगा, और रमजान के महीने में 70 नेकियां मिलती हैं, आपके मरहूमीन को भी सवाब मिलेगा। तो ये छोटी छोटी नेकियां करें आप, तो ये है रमजान और रोजे का मकसद। नूरे इल्म में अब तक के लिए इतना ही, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, और इस सिलसिले को हम 30 रमजान तक लेके चलेंगे, आपसे 3 सवाल करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हाजिर है रमजान में, हम फिर हाजिर होते हैं।